क्लास 12 के सभी परीक्षार्थियों का दीक्षित क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम बताने वाले हैं कि 2024 में क्या आएगा हिस्ट्री में। और जो आपका हिस्ट्री का पेपर होता है वो दो पार्ट में होता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में चैप्टर 1, 2, 3, 4 होता है। तो आज ग्रुप ए का हम वीडियो आपको बता रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है। देखिए, चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन लिखे हैं। पहला चैप्टर 1 से है, व्हाट इज म्यूजियम, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूजियम इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट। या तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डिफाइन म्यूजियम, डिस्कस द पर्पस, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजियम। दोनों का आंसर सेम ही होगा। उसके बाद दूसरा नंबर है, व्हाट इज कॉल्ड म्यूजियम, डिस्कस द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ म्यूजियम। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी बताना है, ये दूसरा माने क्वेश्चन है। उसके बाद एक हम मेमोयर और ओरल ट्रेडिशन से दिए हैं, व्हाट इज मेमोयर एंड ओरल ट्रेडिशन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद फिर चैप्टर 2, चैप्टर 2 का पहला क्वेश्चन है, डिस्कस हॉब्सन लेनिन थियोरी ऑन कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। और दूसरा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इम्पेरियलिज्म, ब्रीफली डिस्कस द कॉजेज ऑफ राइज ऑफ इम्पेरियलिज्म। उसके बाद ये दो ही क्वेश्चन है चैप्टर 2 से। उसके बाद चैप्टर 3, पहला क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। अगर ये नहीं आएगा तो ये अलग से परमानेंट सेटलमेंट इसका आता है। राइट द मेन प्रोविजंस ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, व्हाट वॉज इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है, मानी दूसरा इस चैप्टर का, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड इम्पैक्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। 8 नंबर है, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद एक और हम दिए हैं चैप्टर 3 से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, व्हाट वर द चीफ फीचर्स ऑफ कैंटन ट्रेड, हाउ डिड इट कम टू एन एंड, या हाउ डिड इट डिक्लाइन। ये तो रहा चैप्टर 3। उसके बाद चैप्टर 4 से पहला क्वेश्चन है, बहुत डायनेमिक है, इसके आने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि 2-3 साल से नहीं आ रहा है। एनालाइज द कॉजेज ऑफ लीडिंग टू द May 4th मूवमेंट इन चाइना, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवमेंट। और दूसरा है हमारे बंगाल से रिलेटेड, डिस्कस द नेचर ऑफ द बंगाल रेनेसा, व्हाट वर इट्स लिमिटेशन। और थर्ड नंबर है, गिव एन अकाउंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ ट्राइबल एंड दलित कम्युनिटीज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके बाद ये इतना क्वेश्चन तो हम बोल दिए, ये मेरा सजेशन है, मैंने पार्ट 1 का भी 5, 6, 7, 8 बाद में बताएंगे। कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए हैं, इसको भी आप देख जाएंगे कि क्या पता कई बार होता है कि दिया हुआ क्वेश्चन नहीं आया, एक्स्ट्रा में से ही आ गया। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप करके ही जाएंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कॉलोनियलिज्म, इंडिकेट द रिलेशन विथ इम्पेरियलिज्म, चैप्टर 2 का है ये। और दूसरा भी चैप्टर 2 का है, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, कभी भी आया नहीं है किसी भी साल। व्हाट इज मीन बाई मर्केंटाइल कैपिटल, मेंशन द मेन स्टेटमेंट्स ऑफ दिस डॉक्ट्रिन। और एक चैप्टर 4 से दिए हैं, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट। ये अलीगढ़ मूवमेंट 15 से लेके 23 तक की अगर बात करें तो 2 बार आया हुआ है। तो ये मेरा सजेशन है, आप लोग देखिए, इंजॉय कीजिए वीडियो, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर सजेशन आप और लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट 2 लेकर के।